दिल्ली परिवहन विभाग जल्द ही अंतर्राज्यीय बस अड्डों यानी कि ISBT से करीबी राज्यों में बसों की आवाजाही संबंधी जानकारी मुहैया कराने के लिए एक ऐप लाने जा रहा है, जिससे रोजाना करीब 3 लाख लोगों को फायदा हो सकता है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट नामक ये ऐप अगले सप्ताह शुरू किया जाएगा। परिवहन विभाग के माने तो इस ऐप में अंतर्राज्यीय यात्रियों को अन्य राज्यों में मौजूद बसों की आवाजाही के वक्त, किराए आदि की जानकारी मिल पाएगी। उन्होंने बताया कि ISBT कश्मीरी गेट पर बसों की मौजूदा स्थिति, लाइव स्टेटस की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी, जिसके लिए विशेष प्रणाली स्थापित की जाएगी। परिवहन अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में आनंद विहार, सराय काले खां और कश्मीरी गेट पर 3 अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल ISBT हैं, जहां से करीब 3 लाख यात्री रोजाना उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में जाते हैं। परिवहन विभाग के मुताबिक ISBT के तीनों टर्मिनलों से 2,200 से अधिक अंतर्राज्यीय बसों का परिचालन होता है। कश्मीरी गेट से सबसे अधिक 1,700 अंतर्राज्यीय बसें रोजाना चलती हैं, तो ऐसे में ये ऐप यात्रियों के लिए काफी सुविधाजनक रहेगी। नेक्स्ट 9 टेक की रिपोर्ट।